उत्तर प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बंद नहीं हो रहा है आवारा पशुओं का घूमना। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व सीएम योगी ने बैठक के दौरान कहा है कि आवारा गौवंश सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं। सभी जिले के अधिकारी यह तय करें कि गाय गौशाला में ही रहे, सड़कों और खेतों में गौवंश बिल्कुल ना जाए, नहीं तो संबंधित जिले के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कस्बा सहित ग्रामीण अंचलों में आज भी आवारा गौवंश सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वही रंगों के त्योहार होली से पहले क्षेत्रीय विधायक ने भी मीडिया के सामने वादा किया था कि होली के बाद कोई भी आवारा गौवंश सड़कों पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां आज भी गौवंश सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर जब मीडिया ने विकास खंड अधिकारी से बात की तो उन्होंने इसे लेकर विस्तार से मीडिया को जानकारी दी और बताया कि जल्द ही आवारा गौवंश सड़कों से मुक्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन द्वारा कार्य जारी है। तो जैसा कि शासन प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए थे कि होली के बाद एक भी आवारा पशु रोड पर नहीं घूमेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखा जा रहा है ग्रामीण अंचलों में भी, कस्बे में भी, नगर में भी आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी रोड पर घूम रहे हैं और हर किसी को चुड़ैल भी कर देते हैं। क्या कुछ कहोगे? मैंने एसडीएम साहब के सहयोग से नगर निगम मथुरा से एक कैटल कैचर मंगाया था और उससे लगभग हम 270 जानवर जो है राव गौशाला में स्थापित करा चुके हैं, जो परिक्रमा मार्ग में घूम रहे थे। अब वो कुछ नगर क्षेत्र के कुछ रह गए जानवर वो कैटल कैचर के द्वारा वहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। बाकी का हमारे गोवर्धन ब्लॉक से राजस्थान का क्षेत्र लगता है, तो वो हर गुरुवार को जो बैठ लगती है वो रात को सुबह शाम जब भी दो चार जानवर लेके आते हैं और छोड़ जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है कि किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं आते हैं, उन्हीं जानवरों की समस्या फिर से बढ़ जाती है। तो कोशिश यही की जा रही है कि उन जानवरों को राल गौशाला में भेजा जाए। सर अगली क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन रोड पर कोई भी गाय घूमती हुई नजर नहीं आएगी? जी ऐसी कोई अब तक उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी रोड पर आवारा गाय घूमती हुई नहीं? कोशिश तो मेरी पूरी है कि जितने भी जानवर मुझे नजर आ रहे हैं वो प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जल्द से जल्दी जो है उन जानवरों को आवारा गोवंश को जो है राल गौशाला में भिजवा दिया जाए, मगर जो हर सप्ताह पैंट लगती है उसमें फिर से जानवर वो आ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया बड़ा कठिन काम है। तो उनके लिए कोई रोकथाम का कोई व्यवस्था नहीं? उनके लिए यह प्रयास किया जा रहा है, पुलिस विभाग से भी कहा जा रहा है कि जो जानवर छोड़ जाते हैं उनको जो है वहाँ पर देखा जाए जिससे उन्हें आने से रोका जाए, अगर वो रुक जाते हैं जानवर तो हमारा जो क्षेत्र आवारा गौवंश से फ्री हो जाए।